हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका मूनलाइट। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको टाइम टू टाइम अपडेट इस चैनल से मिलती रहेगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल से देख के ही आपको पता चल रहा है आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो लो लाइंग प्लेसेंटा में घर के काम करने चाहिए कि नहीं। जब भी आप नहाने जाएं तो ज़मीन पे बैठ के नहीं नहाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ज़मीन पे बैठ के नहाते हैं, तो ज़मीन पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं नहाना है। आप पटरी ले लीजिए, या उसको बहुत से लोग पाटा कहते हैं, उस पे बैठ के नहा सकते हैं। और अगर आपका प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा नीचे है तो आपको पटरी पे भी बैठ के नहीं नहाना है। आप चेयर ले सकते हैं, चेयर का यूज़ कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के आप नहा सकते हैं। नीचे बैठ के कुछ भी काम नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, ऐसे में आपको नीचे बैठ के कुछ भी काम नहीं करना है। कुछ भी काम करना है चेयर पे बैठ के ही करना है, नीचे बैठ के कोई भी काम आपको नहीं करना है। लास्ट मोस्ट पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आप आटा गूंदने जाए, गूंदने या गूंथना, पता नहीं सब क्या देखो अलग अलग कहते हैं। हमारे यहाँ तो गूंदना कहते हैं, बहुत से लोगों क्या गूंदना कहते हैं, बट आप समझ गए ना, समझ गए ना, वही काफ़ी है। तो अगर आप आटा गूंदने जा रहे हैं, कम क्वांटिटी में आटा गूंदिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों क्या ज्वाइंट फैमिली होती है, तो अब अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो ऑब्वियस है आटा बहुत सारा गूंदता है। और अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो आटा कम ही गूंदेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आटा कम गूंदेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप आटा ज़्यादा गूंद रहे हैं तो ऐसे में आटा गूंदते समय ना आपके स्टमक पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। तो ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनका लो लाइंग प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा नीचे है। आई नो बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें काम तो करना पड़ेगा। आई एग्री विद यू कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो काम तो करना पड़ेगा, बट कुछ काम ऐसे हैं कि किसी और से भी आप करवा सकते हो। जरूरी तो नहीं कि पूरा घर का भार आपके अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। देखो कल को दिक्कत होगी ना तो आप ही को दिक्कत होगी, कोई और को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी और आपको प्रॉब्लम होगी, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। लॉस किसका होगा? आपका होगा, आपको दिक्कत होगी ना। तो ये ध्यान रखो, ये जो छोटी छोटी बातें बताई है ना, ये कोई नहीं बताएगा ना, आपको डॉक्टर भी ये सारी बातें नहीं बताएगा। ये सारी बातें जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और कॉमेंट जरूर करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट करना, और वीडियो में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी वो भी कॉमेंट करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जरूर जाना। सो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना, एंड बाय बाय।